मुझे ऐसे याद आ रहा है। अगर आपके दिमाग में तुष्टिकरण की गंदी मानसिकता नहीं होती तो आप कम से कम पूर्व मुख्यमंत्री थे, आप भी पूर्व मुख्यमंत्री के नाते मरने के बाद कोई दुश्मन रहता है क्या? लेकिन उनको दुश्मन माना इन्होंने मरने के बाद भी, और उनको श्रद्धांजलि देने का काम नहीं किया। फिर देश के विभाजन का जिम्मेदार उस मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिया, जिसके कारण से लाखों लाख लाशों के ढेर लगे थे। उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की बराबरी पर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बराबरी पर ला करके खड़ा करने का पाठ किया। ऐसे श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी को और उनकी साइकिल को क्षमा करना चाहिए क्या? भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है, हम उत्तर प्रदेश के अंदर बाबूजी कल्याण सिंह जी के सम्मान में ग्रामों के उन्नयन की योजना शुरू करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप भी आपको अपने आप को आज से भारतीय जनता पार्टी का अपने अपने बूथ का प्रत्याशी मान करके भारी अंतर से कमल खिलाने का काम करिए, क्योंकि विकास के लिए लक्ष्मी जी चाहिए, और लक्ष्मी जी साइकिल और हाथी और पंजे पर बैठ करके नहीं आती है, वो कमल के फूल पर बैठ करके आती है। कमल खिलाइए, विकास की गंगा बहाने का रास्ता खोलने का काम जो करना था 2014 से शुरू हो गया, 17 से शुरू हो गया। अब बेईमानी करके कोई अपनी तिजोरियां भरने का काम करेगा तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उन्होंने कहा है ना खाऊंगा न खाने दूंगा, तो जिसने खा लिया मेरे गरीबों किसानों मजदूरों का, उसको भी निकाल कर उन्हीं गरीबों किसानों मजदूरों के चरणों में डाल देने का काम करूंगा। इस बेईमानों की बेईमानी का जो रास्ता आपने बंद किया है, ज्वालीगढ़ का ताला लगा देने का, इनके भ्रष्टाचार के मार्ग में लगाने का काम किया है, वो ताला लगा करके रखना। 100 में 60% वोट हमारा है, कितना? 100 में 60 हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, और बंटवारे वाले वोटों में भी हमारा है। क्यों है ये? श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं पिछड़ों के बड़े भारी हितैषी हैं। श्री अखिलेश यादव जी आपको सर मानी चाहिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दो, अभी आपके पिताजी इस धरती पर हैं, जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था, याद है कि भूल गए आप लोग? और दूसरे बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी अभी धरती पर नहीं है, और जब उनके सामने राम भक्तों पर गोली चलाऊं के कुर्सी को चढ़ाऊं रामलला के चरणों में, जब यह समय आया तो उन्होंने कुर्सी चढ़ा दिया रामलला के चरणों में, लेकिन किसी राम भक्त को खरोच नहीं आने। और ऐसे बाबूजी जी का जब निधन हो जाता है, श्री अखिलेश यादव जी आप बाबूजी को श्रद्धांजलि देने भी नहीं।